ओ भाई साहब क्या तगड़े FPS आ रहे हैं 188 186। हाय गाइस, मैं नाम विनय एंड वेलकम टू टेक कंटेंट। गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं Asus के टफ F15 गेमिंग लैपटॉप। इसमें हम खेलेंगे GTA 5 और GTA 5 में देखेंगे कितने FPS हमें देखने को मिलते हैं और कैसा गेमिंग एक्सपीरियंस रहता है हमारा, और साथ में लैपटॉप ज़्यादा हीट तो नहीं हो रहा और इसके जो कीबोर्ड दे के रखा है मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि आज भी लाइट्स के साथ में है, और ये एक प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप है काफ़ी अमेजिंग फीचर्स के साथ में आता है। मैंने ऑलरेडी इसके अनबॉक्सिंग वीडियो, इसका ओवरव्यू वीडियो बनाई थी, वो वीडियो देख लेना, काफ़ी कुछ आपको उसमें भी देखने को मिलेगा इस लैपटॉप के बारे में। तो अभी हम इस वीडियो में हम करेंगे इसमें GTA 5 प्ले, तो पूरा हम खेल के देखेंगे, ऑनलाइन भी उसे खेलेंगे और ऑफलाइन भी खेलेंगे, साथ में FPS भी चेक करने वाले हैं। तो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूंगा, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और बाकी आपको सामने भी सब कुछ देखने को मिलेगा इस लैपटॉप के बारे में। अभी तक मैं इसको यूज़ कर रहा, मुझे काफ़ी बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस लग रही है। तो चलो गाइस रिव्यू शुरू करते हैं। चलो गाइस गेमिंग मोड ऑन कर लेते हैं अपना भी और इस लैपटॉप का भी। लैपटॉप में टर्बो मोड और हम आ जाते हैं रिलैक्स मोड में और अपना ग्लासेस वगैरह पहन लेते हैं। सबसे पहले हमें प्लग इन करना पड़ेगा हमारा चार्जिंग लैपटॉप में, तभी ग्राफिक कार्ड प्रॉपर तरीके से काम करता है। कि कोई भी लैपटॉप हो उसमें अगर आप गेमिंग कर रहे हो, ग्राफिक कार्ड अच्छे से तभी काम करता है, आपको प्लग इन करना पड़ता है। अभी एक काम हमारा हो गया है, हम रेडी हो चुके हैं, अब हमें गेम प्ले करनी है। सबसे पहले हम गेम को लॉन्च करेंगे और इस लैपटॉप में एक और खास बात है, यहाँ पर देखो ये विंडो की दे के रखे ना, आप इसे लॉक भी लगा सकते हो और अनलॉक भी कर सकते हो। तो गेमिंग के टाइम बाई मिस्टेक अगर विंडो दब जाता है तो आप इसे लॉक लगा सकते हो, तो उससे गेमिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। गाइस गेम हमारी लोड हो चुकी है, यहाँ पर हमें स्टोरी मोड है, ऑनलाइन मोड है। हम पहले सेटिंग में जाते हैं, आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। हम ग्राफिक्स में आ गए, यहाँ पर इसे हम पहले तो फुल HD कर देते हैं। ये हमने फुल HD कर दिया और 144Hz हमने कर दिया है क्योंकि हमारी डिस्प्ले 140Hz सपोर्ट करती है। पहले एक बार हम स्टोरी मोड खेल के देखते हैं, स्टोरी मोड में उतना लोड भी नहीं देगा ये, तो फिर स्टोरी मोड में देखते हैं कि कितने FPS हमें देखने को मिल रहे हैं इसके लिए। गेम हमारी लोड हो चुकी है और जो फैन की नॉइस है ना वो भी आपको माइक से सुनाई देगी, अगर थोड़ी बहुत आ रही होगी ना तो वो भी आपको माइक से सुनाई देगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर हमारे FPS मीटर सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देखते रहना। यहाँ पर CPU परफॉर्मेंस, GPU परफॉर्मेंस और ग्राफिक कार्ड के परफॉर्मेंस और FPS सब कुछ आपको ऊपर दिख जाएंगे, ये आप देख लो। यहाँ पर आप नोट करते रहना और अभी हम गेम को खेलना शुरू करते हैं। और ये आप कीबोर्ड भी देख सकते हो, कीबोर्ड इसका काफ़ी बढ़िया है, ये आराम से इसके सारे कीज बढ़िया से चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ऑडी मित्रों, ऑडी हम चला रहे हैं। मुझे साइड में ना रेंज रोवर दिखाइए, दुख तो रेंज रोवर की तरह है, बाकी लोगों मुझे दिखाई नहीं दे रहा भाई। ऊपर चढ़ गया भाई, बैठते हैं इसके अंदर, इतनी मस्त SUV है। देखो मुझे तो प्रॉपर एक्सपीरियंस मिल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। साइड में मेरा पुराना लैपटॉप भी रखा हुआ है, उसमें ना चलती तो बढ़िया है पर इस लेवल की स्मूथ नहीं चल रही, क्योंकि उसमें हमें 60Hz की डिस्प्ले मिलती थी और इसमें 144Hz की डिस्प्ले है, और FPS जितने मिल रहे हैं ना कमाल के मिल रहे हैं। अरे छोटी मोटी गेम तो इतनी अच्छी चलेंगी ना यार, बातों बातों में गाड़ी ठोक दी मैंने, फिर से ठोक दी ये वाली गाड़ी, मेरे को काफ़ी सही लग रही मेरे को चाहिए। अरे भाग गया उसको पता नहीं, अरे पीछे भी यार भाग गया। ये वाली गाड़ी चाहिए मेरे को, साथ साथ में देखते रहो आप FPS कितने डिग्री सेल्सियस कितना परफॉर्मेंस जा रही है। इस साइड देख रहा हूँ गाड़ी बोरे सामने देख के, भाई तू मेरे मुल्क के सामने से भागा था, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे से मैं ये गाड़ी लेके रहूंगा। चल निकल भाई, ऑसम गाड़ी है तू। और ये FPS भी देखो आप, 112 FPS भाई, कितना मज़ा आ रहा है ना खेलना, क्योंकि स्मूथ एक्सपीरियंस है बिल्कुल और लैग नहीं हो रही है, मतलब तुम कंट्रोल कर पाओगे अपनी गाड़ी को, और दूसरे लैपटॉप में तो लैग हो जाती थी बीच बीच में, जैसे लैग होगी तो गाड़ी भी छुट जाती थी। इसमें बहुत दिक्कत फिलहाल के लिए तो नहीं आ रही है, और बाकी लॉन्ग टर्म रिव्यू भी हम करेंगे बाद में कभी, जब टाइम हो जाएगा इस लैपटॉप का थोड़ा पुराना हो जाएगा उसके बाद करेंगे। अभी के हिसाब से तो भाई मेरे को एकदम बिंदास परफॉर्मेंस लग रही है इसकी, अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है जिस प्राइस में हमें ये मिला है ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया हमें किस प्राइस पे मिला ये।
भाई साउंड क्या प्यारी है सारी की, FPS 120 160 ये उड़ा दिया मैंने, उड़ा दिया अरे मार दिया मैंने इसको, शूट को बेचारा कैसे गिर गया, आई एम सॉरी, खून निकला तू मार, एक और मार दी जी, चार लग गया इसको मारने, मतलब गेम में भी ये अपराध है। और अभी ना मतलब ज़्यादा वो नॉइस भी नहीं कर रहा है, और हमने इसका टर्बो मोड ऑन रखा है ना, एक बार चेक भी कर लेता हूँ, ये परफॉर्मेंस मोड है, थोड़ी सी ये साइलेंट मोड है, ये परफॉर्मेंस मोड है, ये टर्बो मोड है, बस टर्बो मोड में भाई गाड़ी इतनी सही है ना, एकदम से ब्रेकिंग मस्त लग रही है। हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की तो 57 FPS आ रहा है, और बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भाई मतलब 100 से ऊपर FPS आ रहे थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ FPS कम हो गए, सच बता रहा हूँ आपको। जो पहले हमने रिकॉर्ड किया है ना वो हमने किया है इसके साथ में, DSLR के साथ में बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के, तो उसमें आपने देखा होगा कितने FPS आ रहे थे, और इसमें अब FPS काफ़ी कम आ रहे हैं, 66 FPS आ रहे हैं, तो ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ FPS कम हो गया। अरे हम विंडोज़ का अपना स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हैं, जो विंडोज प्लस सी करके आता है ना जो गेमिंग के लिए, भाई ये देखो आप सिनेमैटिक मस्त है, तो अभी हम ये काम करते हैं, ये देखना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लगाया विंडोज़ के अपने में, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, और अभी आप FPS देखना, देखो FPS 99 दिखाई दे रहे हैं ना आपको, एकदम से बढ़ जाएंगे 100 106, तो ये है थोड़ा सा जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो FPS कम हो जा रहे हैं, और ऐसे FPS बढ़िया चल रहे हैं, और बाकी ग्राफिक्स एकदम बढ़िया आ रहे हैं गेम में, कोई दिक्कत नहीं आ रही ग्राफिक्स में, शेडोज वगैरह सब कुछ, और डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, डिस्प्ले की क्लियरिटी मतलब स्टूडियो की सारी लाइट्स ऑन है फिर भी एकदम से सब कुछ हमें बढ़िया से दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले को लेकर कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। तो अब देखो 127 FPS आ रही है, देखो आप देखो 126। तो गाइस अभी स्टोरी मोड हमने खेल लिया, आप ऑनलाइन मोड पे आते हैं, ऑनलाइन मोड हमारा ऑन हो चुका है, अभी हम बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के गेम खेल रहे हैं, 100 के ऊपर ही FPS देखने को मिल रहे हैं, 100 चल रहा है पूरे FPS, अभी FPS दिखा देता हूँ, ये देखो आप ये हम ऑनलाइन खेल रहे हैं ना अभी, और देखो 98 88 कुछ ऐसे FPS आ रहे हैं अभी, मतलब प्रॉपर 100 के ऊपर नहीं जा रहे हैं FPS, और हम फुल सेटिंग में खेल रहे हैं, फुल HD खेल रहे हैं, और 144 Hz पे रखा हुआ है इसे, तो कुछ ऐसे FPS देखने को मिलेंगे, मतलब स्टोरी मोड से FPS जो है ना वो कम हो गए हमारे थोड़े से, और अभी हम एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा देते हैं, और उसके बाद देखते हैं तब कैसा FPS हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दी, वो देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी चालू होगी, और यहाँ पर हमें 60 FPS मिल रहे हैं अभी, 59 57 58, अभी जो है ना थोड़ा FPS कम हो गया हमारी गेम के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में, ऑनलाइन मोड में गेम स्मूथ चल रही है, बस थोड़े FPS ड्रॉप हुए हैं, हल्का सा मुझे फील भी हो रहा है कि FPS पहले से कम हुए हैं, पर लैग देखने को नहीं मिल रहा, तो होता ना गेम अटक रही उस टाइप का कुछ भी नहीं है, उस मामले में बिल्कुल स्मूथ चल रही है गेम। चलो गाइस अभी आपने ऑन स्क्रीन तो देख लिया, अभी मैं अपना रिव्यू बताता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ में। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप GTA 5 खेलोगे ना, स्टोरी मोड खेलोगे, तब आपको 100 FPS से ऊपर ही मिलेंगे इस गेम में, 100 130 और 140 के बीच में इसके FPS रहते स्टोरी मोड में, और जब हम ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो जाएंगे तब हमारे FPS रहेंगे इसमें 90 से लेकर 100 के बीच में, बीच बीच में 115 तक जा रहे थे। तो अभी आपको इतना पता चल चुका होगा कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कितने FPS आ रहे थे। अब बात करता हूं जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब FPS 50% जो है ना वो डिक्रीज हो रहे थे, फिर चाहे हम ऑनलाइन खेल रहे थे या फिर ऑफलाइन, अगर हम ऑफलाइन में खेल रहे थे तो हमारे FPS आ रहे थे 60-70 के बीच में, और जब हम ऑनलाइन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में खेल रहे थे तब हमारे FPS आ रहे थे 40-50 और 60 के बीच में। हमने यहां पर फुल HD खेला और 144 Hz पर ही रखा था पूरी सेटिंग, तो यहां पर आपके सामने सारे
सारे रिजल्ट्स। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप लाइव स्ट्रीम भी करना चाहते हो तो आप बिंदास कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि उतना ज़्यादा हीट नहीं होता ये लैपटॉप, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम यही आती है लैपटॉप्स में कि लैपटॉप्स हीट होते हैं और थोड़े टाइम बाद ना लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस कम होने लग जाती है। तो यहाँ पर हीटिंग का इशू मुझे देखने को नहीं मिला, ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ा बहुत गर्म होगा और जो इसका फ़ैन है ना वो अच्छे से काम कर देते हैं, कूल कर देते हैं लैपटॉप को, क्योंकि इसका जो हवा निकालने वाला जो सिस्टम दे के रखा है वो बिल्कुल बैक साइड में है और अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर कुल मिला के मैं यही कहूँगा लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है, प्राइस को जस्टिफाई करता है, कीबोर्ड काफ़ी बढ़िया है, फंक्शन और फीचर काफ़ी बढ़िया दे के रखे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी आप इसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया मुझे ये लैपटॉप लगा ओवरऑल। और यहाँ पर मैं एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग भी मतलब प्रोफेशनल लेवल की करना चाहते हो तो आपको पीसी बिल्ड ही करवाना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप में मतलब एक दो साल तक तो ईजिली अच्छे से चल पड़ते हैं, पर ज़्यादा टाइम हो जाए ना तो इनमें उतनी अच्छी कूलिंग नहीं हो पाती है जितनी हम अपने पीसी में कर सकते हैं। पीसी में आप बढ़िया कूलिंग सिस्टम लगा सकते हो और साथ में उसे इन फ्यूचर अपग्रेड भी कर सकते हो जितना आप चाहे उतना, और लैपटॉप्स में वो नहीं होता है, इसमें लिमिटेशन हो जाती है। तो ये सारी बातें इस लैपटॉप को लेकर, और अगर आप इस लैपटॉप को लेना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखा है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मैं तो आपके साथ किसी और वीडियो में, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।